लॉकडाउन में पार्टी करने का मूड है तो घर में कुछ स्पेशल तो बनाना है। आज मैं सोच रही हूँ अपने घर में अपने आप के लिए खुद ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, और ये पार्टी है समोसे वाली पार्टी। तो आज मैं एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाने वाली हूँ समोसे, वो भी पंजाबी स्टाइल के। पंजाबी स्टाइल के समोसों में क्या खास होता है ये बताती हूँ आपको। ये समोसे खस्ता होते हैं, पंजाबी खाने में घी तेल ज़्यादा होता है आप सब जानते ही हैं, लेकिन पंजाबी समोसे जब हम बनाते हैं तो हम खास ख्याल रखते हैं कि समोसे खस्ता बने। तो समोसे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका डोग, क्योंकि वो डोग ही उसको क्रिस्पी बनाता है, खस्ता बनाता है। तो ये है मैदा। मैदा गूंदने के लिए हमारे को चाहिए नॉर्मल पानी, अजवाइन, नमक और चाहिए हमें ऑयल। और ऑयल देखिएगा इसमें आप कितना डलता है। सबसे पहले मैदे के अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। मैं इसके अंदर वैसे ये देखिए आधा चम्मच नमक डालने वाली हूँ, ऑलमोस्ट फैलाते हुए डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अजवाइन है, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, 1/4 स्पून आप कह सकते हैं। ये अजवाइन है, इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब हम खस्ता समोसे बनाते हैं तो उसका डोग खस्ता होगा तभी समोसे खस्ता बनेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें ऑयल डालना है, ये देखिए ये ऑयल कम से कम बड़ी करछी जितना, 2 या 3 करछी जितना ऑयल है ये एक बड़ी कटोरी मैदे के अंदर। और इस ऑयल को डालते ही गूंद नहीं लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मैदे के अंदर मॉइस्चर बन जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऑयल थोड़ा कम है, इसमें मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला, यानी ऑलमोस्ट मैंने 2 बड़ी करछी जितना ऑयल इसमें डाला है। और अब इसको मैं मैदे में अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुका है, तो ऑयल को मैदे में मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी और हम इस डोग को गूंद लेंगे। डोग अब तैयार हो गया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसको अभी जब ये पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाए तो इसमें ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल हाथ पर लेकर, ये देखिए मैंने आधा चम्मच ऑयल हाथ पर लिया है, जो अब मैं इस डोग पर इस तरीके से डाल के इसको और अच्छे से गूंदूंगी। ये देखिए समोसे का डोग इस टाइम पर मैंने अच्छे से गूंद के इसको इस तरीके से तैयार कर लिया है। लेकिन इस डोग को गूंदते के साथ ही इसके समोसे नहीं बनाने, इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हमें ढक कर रख देना है। इस बीच हम आलू वगैरह बाकी सब चीज़ें तैयार कर लेंगे, जब तक ये डोग तैयार होगा फिर उससे हम समोसे बनाएंगे। तो हम डोग तैयार कर चुके हैं, अब समोसे का मिश्रण हम कैसे तैयार करेंगे वो आपको बताती हूँ। मैंने 4 आलू लिए हैं, हरी मिर्च ली है, ये है नमक नॉर्मल, लाल मिर्च, और ये है MDH का मसाला, किचन किंग मसाला। तो अब हम आलूओं को अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये हरी मिर्च, ये मैंने 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई हैं जैसा आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार, वैसे 4 आलू के लिए आधा चम्मच नमक काफ़ी है, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देती हूँ मैं। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च ताकि रंग अच्छा आएगा मसाले का, वैसे तो मिर्ची हरी से भी हमें तीखा मिल जाएगा लेकिन लाल मिर्च का स्वाद तो आएगा ही, लेकिन दिखने में मसाले का रंग भी अच्छा आएगा। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर किचन किंग,
के लाजवाब स्वाद आएगा। तो अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। आप चाहें तो आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, बट हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से मैश हो जा अच्छे से मैश होता है। हम काजू वाले समोसे बनाएंगे। अभी हम इसमें काजू भी डालने वाले हैं, लेकिन वो काजू हम डो को कट करने के बाद, उसमें मिश्रण भरने के बाद ऊपर से रखेंगे। कैसे रखेंगे, आइए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब समोसे बनाने के लिए हमारा डो तैयार हो चुका है, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए ढक के रखा था। देखिए ये थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है, बट इसको हम ऐसे ही नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा तेल, ये देखिए इस तरह से लगाएंगे, और इसको उठाने के बाद हम इसको इस तरीके से इसको उल्टा गूंदना है। सो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से और मिक्स करना है। इससे जो एयर है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएगी और आपके जो समोसे हैं वो और भी खस्ता बनेंगे। तो इसको हमने यहाँ रख दिया है। ये आलू हैं, ये काजू हैं जो हम समोसे में भरकर बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं समोसे बनाने के लिए। सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी। तेल आपको उतना ही डालना है जितने में आपको ये समझ में आ जाए कि आपका समोसा अच्छे से डिप हो जाएगा उसके अंदर। तो अब जब तक हमारा तेल गरम होता है, हम समोसे तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसकी एक लोई निकालेंगे इस तरीके से ऊपर से। देखा आपने इस लोई को हमने किस तरीके से लिया है। बस इसी ट्रिक का एक कमाल है, जिस वजह से ये जो समोसे हैं ये सॉफ्ट बनते हैं। हम थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको यहाँ पे रखेंगे और इसको हम बेल लेंगे। ध्यान से बेलना है इसे, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। बाकी ज़्यादा गोल और चकोर हो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसको बीचों बीच आप चाकू से ऐसे कट कर लें। देखा आपने कितने आराम से कट हो गया, क्योंकि ये डो बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब जहाँ से आपने कट किया है उन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से लेके यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लें और हल्के हल्के हाथ से एक उंगली अंदर रखें और ऊपर से इसको दबाते हुए इस तरीके से बंद करें। तो समोसे का ये जो डोग से हमने तैयार किया है, अब इसको आप अपने हाथ से इस तरीके से, ये देख रहे हैं हाथ में, इस तरीके से आपको इसको पकड़ के सेट करना है ताकि आलू भरते हुए आपको कोई परेशानी ना हो। अब ये आलू का डोग जो हमने तैयार किया है, मिश्रण तैयार किया है, ये इसके अंदर हम भरेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे ये एक काजू, और अब हम इस समोसे को आराम से ऊपर से बंद कर देंगे। और समोसे की शेप अगर ठीक नहीं आई तो आप उसको बाद में भी ठीक से कर सकते हैं। जब तक तेल गर्म हो, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा समोसों में इस तरीके से मिश्रण भर के उसको एक प्लेट के अंदर रखते जाएं, ताकि जब फ्राई करने का टाइम आए तो आप समोसे डीप फ्राई करते जाएं, डालते जाएं। तो अब तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें एक एक करके समोसा डालने वाली हूँ। तेल जब तक अच्छे से गर्म ना हो, आप उसमें समोसे ना डालें। ये देखिए आराम आराम से डालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक साथ आराम से आपके 5-6 समोसे फ्राई हो जाएंगे। इस टाइम मैंने कढ़ाई में 7 समोसे डाल दिए हैं जो अच्छे से इस टाइम फ्राई हो रहे हैं, डीप फ्राई हो रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना, तेल उतना ही डालना है जितने में ये समोसे अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं। वैसे आप तेल हिला के समोसों में अच्छे से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं।
एक बार समोसे नीचे से फ्राई हो जाएं तो हम इसको आराम से पलटाएंगे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए समोसे पक चुके हैं, इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। अब हम इन्हें निकालेंगे बाहर, ध्यान से बाहर निकालना है क्योंकि तेल गर्म है, तो आपको ध्यान रखना है कि तेल ना उछले। बहुत शेप बिगड़ गई है बट आई गेस चलता है इतना तो। अब मैं इसे सर्व करती हूँ और टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये मेरे पंजाबी खस्ता समोसे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे बने हैं। गरम है बहुत, हाथ में उठा रही हूँ तो लग रहा है, ये देखिए कितने खस्ता समोसे बने हैं। ये तो बहुत ही गर्म है लेकिन देखिए कितने खस्ता समोसे बने हैं। अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छी है, मैदे को जैसे आप देख सकते हैं बाहर से भी अच्छा ब्राउन कलर आया है और अंदर से भी ये अच्छे से पके हैं, यानी ये कच्चे नहीं रहे। तो हम अब इसको खाने वाले हैं, टेस्ट करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसा बना है। ये टोमेटो केचप है। लीजिए फिलहाल मैं इन समोसों का स्वाद लेती हूँ और आप इस रेसिपी को देखकर अगर इंस्पायर हुए हैं और अपने घर में समोसे बनाकर खाने वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।